मम्मी थोड़ा बहुत काम कर लेंदे सी, भार वाला काम इन्होंने डॉक्टर ने मना किया सी भी काम नहीं करना। पापा जी तो बाद हालात बहुत खराब हो गए सी, क्योंकि पापा जी तो डेथ तो बाद टेंशन हो गई सी भी असी कल्ले रहिंदे सी, ना ही कोई हेल्प करने वाला सीगा, ते किराए दे मकान ते रहिंदे सी, आपदा कोई मकान है नहीं, उरे भी असी किराए ते रहिंदे आ। इसे करके वीडियो बनाई क्योंकि मैं देखिया भी बहुत बच्चों की भी तो बहुत मावं भैन की सब की जान बचाई जा रही है, बहुत पंजाब हैल्प कर रहा उन्हों की, बाहरलिया कंट्रिया तो भी हैल्प हो रही है। इस करके मैं वीडियो बनाई सी कि भी मेरी भी मदद हो। हाँ जी, बस मैं सारे तो भी यही मदद मांगती हूँ कि मेरे मम्मा का इलाज कराया जाए। इन्हों हार्ट की प्रॉब्लम है, स्टंट पिया 2018 के जून में। हाँ जी, 2018 च स्टंटिंग हुई सी, वो मेरे हसबैंड ने करवाई सी, आ कल वाले टेस्ट जी कल हुई सी। उस तो बाद उन्होंने 19 च मौत होंगी। हाँ जी, उन्होंने 19 च 2019 दे विच 25 जनवरी नूं उन्होंने डैथ हुई है। बस जी, कई के टाइम तो सी रोटी तो भी बिना, दो तीन तीन दिन असं रोटी तो बिना भी रहे हैं, कल्ले चौलों के नमक पा पा के भी खाधा हो। मेरे बच्चे के कपड़े हूँ भी देख लो, ये भी फटे हुए ने, चेक भी कर लो। मेरे बच्चे ने मैनू कदे कहा नहीं भी मम्मा मैनू कपड़े लेके दो। घर मेरा किराए पर है जी। हाँ जी, मेरा 9 महीनों का किराया भी पिया, बिल भी 26,000 रुपया मेरा बिल का होया पिया। हाँ जी, मेरे तो अजे नहीं किराया बिल भी नहीं भरया गया, अज भी मेरा मकान मालिक बहुत कुछ बोल के गया। तुसी देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। बीते दिन तो एक वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रहा, जिस दे विच एक बच्ची अपने परिवार की दुख भरी कहानी बयान कर रही है कि वो घर के कमाण वाला उसका पिता इस दुनिया च नहीं रहा, माँ जिहड़ी है वह भी किसी बीमारी तो पीड़ित है, बुजुर्ग दादी है, तो एक उसकी छोटी भैन है जिहड़ी कि अपाहज है। वो जिहड़ा वीडियो हैगा रामपुरा फूल की खुशप्रीत कौर का, अज उस घर के असी पहुंचे, घर के हालात विखावे, तो उस बच्ची नाल भी थोड़ा मिलाने जिन्हें वीडियो बनाया सीगा, काफ़ी तंगी दे विच परिवार हैगा, तो उम्मीद है सरकार इस परिवार की मदद करनी है। तो कहानी की है, किवें इस परिवार के दुखों का ढेर आया, तो सारी गल थोड़ा अज असी इस डेली पोस्ट पंजाबी विखाने हैं, तो उस बच्ची भी मिलवाने जिदा वीडियो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जिस बच्ची की वीडियो तुसी सोशल मीडिया से देख रहे हो, वो बच्ची मेरे नाल इस वक्त रामपुरा फूल च मौजूद है, एक खुशप्रीत है, इसे ने वीडियो बनाया सीगा, यह परिवार किसी वेले हसदा खेडदा सीगा, तां तुसी देख सकते हो अज बड़ी इन्हां दे नाल रहिंदे ने इस परिवार के, तो बड़ी एक त्रासदी हैगी इस परिवार की, किसी वक्त हसदा खेडदा परिवार सीगा, चंगा परिवार सी, पर अज बहुत ज़्यादा मजबूर है, मदद की बड़ी ये मंग कर रहे हैं कि साडी मदद होनी चाहिए है। इस बच्ची ने अपनी माँ की बीमारी नूं देखते हुए वीडियो बनाया सीगा, तो वीडियो तुसी जिहड़ा सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा वेख्या, तो खुशप्रीत नाल गल करदे आ। खुशप्रीत ने वीडियो बनाया सी, खुशप्रीत दसो वीडियो थोड़ा किवें बनाया, तुसी की सोचा कि वीडियो बना के पाना पऊगा, कोई होर पहला मदद नहीं मिली कोई किसी तरीके की, कोई सरकार की पेंशन या कुछ होर? पेंशन लगी नहीं सी, पापा जी तो बाद मम्मा जी बीमार रहन लग गए सी टेंशन विच, ते पेंशन भी नहीं सी बजी, ना ही कोई कार्ड बनया हुआ सी, तो मम्मी थोड़ा बहुत काम कर लेंदे सी, भार वाला काम इन्होंने डॉक्टर ने मना किया सी भी काम नहीं करना। पापा जी तो बाद हालात बहुत खराब हो गए सी, क्योंकि पापा जी तो डेथ तो बाद टेंशन हो गई सी भी असी कल्ले रहिंदे सी, ना ही कोई हेल्प करने वाला सीगा, तो किराए दे मकान ते रहिंदे सी, आपदा कोई मकान है नहीं, उरे भी असी किराए ते रहिंदे आ। तो बस मैं ऐसी सोचा सी कि मेरी मम्मा की जान बच सके, इसे करके वीडियो बनाई क्योंकि मैं देखिया भी बहुत बच्चों की भी तो बहुत मावं भैन की सब की जान बचाई जा रही है, बहुत पंजाब हैल्प कर रहा है उन्होंने, बाहरलिया कंट्रिया तो भी हैल्प हो रही है। इस करके मैं वीडियो बनाई सी कि भी मेरी भी मदद हो। पहला थोड़े जो डैडी इस दुनिया से सी, सारा परिवार ठीक से, उदो वधिया चलता सी घर बार? हाँ जी, वधिया चलता सी, पापा जी कबड्डी खेडते, जमीन भी सी वधिया सी अपने घर। हाँ जी, उन्होंने जान तो बाद बहुत औख आई है कि सानू भी सारे हालात खराब हो गया, बहुत माड़े माड़े हालात आया साढ़े ते,
बहुत दुखों का सामना करना पिया सानू। की कहंदे सी थोड़े डैडी थोनू की बनाउणा है, की सुपना लिया सी उन्होंने? ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹਜੇ 9th ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी, बस मैं सारों तो भी यही मदद मांगती हूँ कि मेरे मम्मा का इलाज कराया जाए। इन्हों हार्ट की प्रॉब्लम है, स्टंट पिया 2018 के जून में। हाँ जी बिल्कुल, असर मेडिकल रिपोर्ट्स है वह भी असं तुम दिखाने हैं, तो तुम दस दिए ये परिवार जरा देख रहे हो अज बड़ी मदद की मांग कर रहा, यह सारी मेडिकल रिपोर्ट्स है। तो गगनदीप कौर जी ने इन तो जानते हैं, ये दसो कि थोनू प्रॉब्लम ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਸੀ ਹਾਰਟ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ 18 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। 18 'ਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆਂਗੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਪੈਗਮਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਟੰਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਟੰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 18 'ਚ ਜੀ, 2018 'ਚ ਸਟੰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 19 'ਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 19 'ਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 500 ਕੋਈ 1000 ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਇਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਹੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਜੀ, ਕਈ ਕਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, SSP ਤੱਕ, SHO ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਪਾਈ ਆਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ID ਤੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਆਈ ਕਿਤੋਂ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੰਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਘਰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪਿਆ,
बिल भी 26,000 रुपया मेरा बिल का होया पिया। हाँ जी मेरे तो हजे नहीं किराया बिल भी नहीं भरया गया, अज भी मेरा मकान मालक बहुत कुछ बोल के गया। मैं यही मंग करती हूँ सरकार तो जी भी एक तो मेरा इलाज हो जाए, दूजे नंबर पर मेरी बच्ची की पढ़ाई, जिन्ना के पढ़ना चाहती है आपके पैरों सिर पर खड़ी होनी चाहती है उन्नी के दी हेल्प की जाए, तो एक मेरे मकान का, एक मेरे मकान जरूर भावें मैं दो कमरे पा के दे दो, मेरे किराए के मकान तो खेड़ा चढ़वा दो, मेरे तो किराया भर नहीं हों, बस मैं यही मदद चाहनी हाँ, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांगती। बिल्कुल गगनदीप जी के माता जी भी नाल गल करते हैं, माता जी कितनी मुश्किल बढ़ गई परिवार दी, बड़ा हसदा खेस खेड़ा परिवार सीगा, हुण तुसी इस उम्र दे विच दुख देख रहे हो किन्ना की कहना चाहो? सरकार तो बस यही मांग करते हैं भी साड़ी हेल्प की जाए जी, क्योंकि मैं ज्यादा काम भी नहीं कर सकती, कोई हल्के जे मैनू काम दे, मामा सरकारी किसी काम ते हल्के ते मैनू जॉब दी जाए, मैं विधवांगी जो कि मैं आपके बच्चे पाल सकां, तो एक मैंने छोटा जा मकान पा के दिता जाए जिदे विच मैं एक छत दे विच अपने बच्चे लैके बैठ सकां, मेरे तो किराया भर नहीं हुंदा, मेरे तो बिल भी नहीं भर हुंदा, मैं रोगण आ गई। सो इस गगनदीप कौर ते उन्हां दी बेटी जिन्ने जिहदा वीडियो तुसीं वायरल देखिया होया, पूरा परिवार अज मदद की मंग कर रहा सरकार तो, उम्मीद करते हैं जिते पंजाबी मदद के वास्ते पहल के आधार से अगे आते हैं परिवारों वास्ते, तो उम्मीद करते हैं सरकार भी इस परिवार की बांह फड़ूगी, तो हर तरह की आर्थिक मदद पंजाब की सरकार करेगी। कैमरामैन गुरविंदर के नाल अमित शर्मा, डेली पोस्ट पंजाबी, रामपुरा फूल, बठिंडा।